Audio Jungle. जो ये वाला बैकग्राउंड को मैं पिक्सल के अंदर ऐड कर दूंगा, करने के बाद आपको टूल्स आएगा, आपको ये तो वाला बैकग्राउंड को मैं रिसर्च कर दूंगा, जो टूल्स आएगा और आपको बैकग्राउंड को मैं रिसर्च कर दूंगा, आपको एक कोई भी नंबर मार दूंगा, मारने के बाद आपका फोटो को रिसर्च कर दूंगा, आपको जो 2048 मार दूंगा, आपका बैकग्राउंड रिसर्च हो जाएगा 2048, मारने के बाद आपका फोटो रिसर्च हो जाएगा। जो ये वाला बैकग्राउंड को मैं रिसर्च कर दूंगा, करने के बाद आपको यहाँ से एड फोटो आएगा, जो आपका मॉडल PNG ऐड कर दूंगा, जो ये है मेरा मॉडल PNG मैं ऐड कर दूंगा, जो ये है मेरा मॉडल PNG मैं अच्छा से सेट कर दूंगा, जो मॉडल को अच्छा से और थोड़ा से बड़ा करके कुछ साइड पे रखेगा और इतना रखेंगे, और आपको जो बैकग्राउंड को और मॉडल PNG को कलर एडजस्ट कर दूंगा, जो लाइटिंग एडजस्ट कर दूंगा, यहाँ से मॉडल PNG को क्लिक करके आपको यहाँ से एडजस्ट पाएगा, आपको यहाँ से जितना चाहिए और थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा, बढ़ने वाला कंट्रास्ट को आपको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, और जो सेचुरेशन को और ज़्यादा +4 रखेगा, और जो हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर दूंगा और ज़्यादा और प्लस कर दूंगा मैं हाईलाइट को, और हो गया। और आपको यहाँ से जो सेटोस को जो ये वाले सेटोस को आपको बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, और आपको जो टेम्परेचर को आपको जितना चाहिए और तो मैं प्लस बढ़ा दूंगा और ऊपर से डन कर दूंगा। जो ये वाला बैकग्राउंड और मॉडल PNG को कलर भी एडजस्टमेंट हो गया और कितना अच्छा लग रहा है, और आपको यहाँ से एड फोटो आएगा और एक लाइट वाला PNG ऐड कर दूंगा, जो ये है लाइट वाला PNG, जो आपको जो ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर दूंगा, आपको जो ब्लैक वाला हट जाएगा, देखो मैं अच्छा से सेट कर दूंगा यहाँ पे, और थोड़ा सा बड़ा करके इतना रखेगा, और जो ओपेसिटी को ज़्यादा नहीं रखना, आपको 80 रखेगा और ऊपर से डन कर दूंगा, और डोन करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, देखो जो ये वाला बिफोर कितना अच्छा लग रहा है। आपको यहाँ से एक ब्लैक वाला PNG कर दूंगा, जो नीचे से लगा दूंगा और बहुत ख़राब लग रहा है, और आपको ये फोटो आएगा, आपको जो ये वाला ब्लैक PNG कर दूंगा, जो ये है ब्लैक PNG, आपको अच्छा से सेट करने के बाद आपको यहाँ से मैं एडजस्ट कर दूंगा, और थोड़ा थोड़ा ब्लैक नहीं आ रहा है, देखो मैं ब्लैक जो एडजस्ट पाएगा, जो जितना ब्लैक चाहिए, और जो ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर दूंगा और 75 रखेगा, और जो कितना अच्छा लग रहा है, और ऊपर से डाउन कर दूंगा, और डाउन करने के बाद आपको यहाँ से ऊपर से भी डाउन कर दूंगा, हो गया। आपको यहाँ से ड्रॉ टूल पाएगा, आपको जो ये वाला फोटो मैं सेव कर दूंगा, गैलरी पे सेव कर दूंगा, सेव करने के बाद आपको जो ये वाला फोटो को मैं लाइट रूम के लेके ऐड कर दूंगा, जो मैं कलर एडजस्टमेंट करेगा लाइट रूम से, मैं लाइट रूम के अंदर भी आ चुका हूँ, वहाँ से ऐड फोटो आएगा, जो मैं पीसल के जो एडिटिंग करना, जो ये वाला फोटो को मैं लाइट रूम से ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद आपको यहाँ से ऐड हो जाएगा, देखो और हो गया, सक्सेसफुल हो गया, यहाँ से मैं ऑल फोटो आएगा, आपको जो ये वाला फोटो मैं कलर एडजस्टमेंट करेगा, जो बैकग्राउंड और मॉडल PNG को मैं अच्छे से कलर एडजस्टमेंट करेगा, तो हो गया। देखो आपको यहाँ से जो ये वाला लाइट वाला PNG, आपको यहाँ से जो ब्राइटनेस को ज़्यादा नहीं रखना, आपको थोड़ा सा रखेगा, और जो कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, और जो हाईलाइट को थोड़ा सा कम करेगा, करने के बाद आपको यहाँ से व्हाइट वाला को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, जो ब्लैक वाला को थोड़ा सा कम करेगा, करने के बाद आपको हो गया, और कितना अच्छा लग रहा है, और जो फेस के ऊपर रेड देखने को मिलेगा, आपको यहाँ से ये जो सट्टोस को आपको थोड़ा सा कम कर दूंगा, हो गया। और जो आपको यहाँ से जो ये वाला कलर पे आ जाएगा, आपको मिक्स पे आ जाएगा, आपको जो ऑरेंज वाला सिलेक्ट करके आपको जो लेमिलेशन को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ये जो ऑरेंज वाला सिलेक्ट करके आपको जो लेमिलेशन को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, जो आपका जो फेस वाइट हो जाएगा, देखो कितना वाइट हो गया है, और ज़्यादा नहीं रखना, ये जो ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ये जो सट्टोस को
थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं रखना, और -3 रख दूँगा और हो गया। जो आपको जो येलो वाला टोन, आपको देखो येलो वाला टोन ज़्यादा, और ह्यू को पूरा फुल माइनस करेगा। जो सेटोस को आपको थोड़ा से बढ़ा दूँगा, और आपको जो लेमिनेशन को भी थोड़ा से बढ़ा दूँगा, हो गया। और ऊपर से डाउन कर दूँगा, और कितना अच्छा लग रहा है देखो फोटो। जो ये है बिफोर वाला, और जो ये है आफ्टर वाला, जो कलर एडजस्टमेंट कितना अच्छा लग रहा है देखो। ये है बिफोर वाला और ये आफ्टर वाला। आप कहाँ से शेयर पाया जाएगा, आप कहाँ से फोटो को गैलरी पे सेव कर दूँगा।